तो अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो डिफरेंशिएशन में इससे पहले हम लोगों ने चेन रूल के बारे में डिस्कस कर लिया, चेन रूल से डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे फंक्शंस का, और उसमें पढ़ा था इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में डिस्कस कर लिया है। तो इन इन वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव की। तो सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बात करते हैं, अगर कोई डेरिवेटिव हमें क्या करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पर जो एक्स होता है वो क्या होता है, माइनस वन से वन के बीच में कोई भी एक वैल्यू होगी। एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, ये वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इसके यहाँ पर ये क्या है, ये बेसिक डिफरेंशिएशन है किसका, साइन इनवर्स एक्स का। अब ये डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, तो अगर हम बात करते हैं इसके डिफरेंशिएशन के, तो लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये साइन y आ जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा d बाई डी एक्स साइन y, ठीक है। तो x का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, और साइन y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos y, और y का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, dy वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से जो dy वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई है वन अपॉन रूट में, सॉरी वन अपॉन ये cos y अपॉन में आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई। अब इस cos y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन रूट में कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है। अब इस कॉस स्क्वायर वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन वाई में। क्यों साइन वाई में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू साइन वाई गिवेन है। तो यहाँ पर आ जाएगा वन अपॉन रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर वाई, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब यहाँ पर साइन वाई की जगह पर क्या वैल्यू रख सकते हैं, एक्स रख सकते हैं, तो ये जो डेरिवेटिव हो जाएगा कितना आ जाएगा, वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव होता है किसका, साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का, ठीक है। तो कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव हम लोग इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, अगर हमें इसका डेरिवेटिव करना है तो इसकी वैल्यू, इस वैल्यू को हमने क्या लेट कर लिया, एक्स सॉरी वाई लेट कर लिया है, और यहाँ से हमने क्या किया, साइन जब करेंगे तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन वाई हो जाएगा जब दोनों तरफ साइन लेंगे, और डिफरेंशिएट कर दिया अगर x से तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और साइन y का डिफरेंशिएशन cos y हो जाएगा, और साथ में कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx आ जाएगा। फिर यहाँ पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपॉन cos y हो जाएगा, cos y को क्या लिख सकते हैं, रूट में cos स्क्वायर y, और इस cos स्क्वायर y को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर y। तो साइन स्क्वायर साइन y की जगह पर क्या वैल्यू पुट कर दी, x, तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर हम डिफरेंशिएशन बात करते हैं बेसिक डिफरेंशिएशन की टैन इनवर्स के लिए, तो अगर टैन इनवर्स के डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, डी बाई डी एक्स टैन इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन की, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जो एक्स होता है वो क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स कोई भी एक रियल वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो इसके अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं क्या, वाई इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा वाई इक्वल टू कितना लेट कर लें, टैन इनवर्स एक्स। अब इसको डिफरेंस यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले वाई की सॉरी यहाँ से एक्स की एक वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, टैन वाई आ जाएगा। अब यहाँ से इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और टाइन y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर y, और साथ में कितना आ जाएगा, dy वाई अपॉन डी एक्स। तो dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 1 अपॉन sec स्क्वायर y।
अब यहाँ पर sec स्क्वायर वाई, sec स्क्वायर वाई, अब यहाँ पर हम sec स्क्वायर वाई को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर वाई को लिखेंगे वन अपॉन वन प्लस, sec स्क्वायर वाई को वन प्लस टेन स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, क्योंकि हमें डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में करना था, तो यहाँ पर जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, x में वैल्यू होनी चाहिए, तो इस वैल्यू को हम लोग वन प्लस टेन स्क्वायर वाई पुट कर सकते हैं, और यहाँ से tan y की वैल्यू कितनी है, x है, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जो d बाई डी एक्स होगा, और y की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x, वो कितना हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस इस वाई, टेन वाई की जगह पर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से ये जो बेसिक डिफरेंशिएशन होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, इनका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद बात कर लेंगे, इन कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन होंगे, बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं उन फंक्शंस के बेसिक डिफरेंशिएशन की को यहाँ पर भी नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, तो अब यहाँ पर कुछ बेसिक डेरिवेटिव दिए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, उसमें क्या है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा था अभी, वन अपॉन वन माइनस रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स का जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, इनकी जो ये जो फंक्शंस की वैल्यू आएगी, क्योंकि एक फंक्शन होगा ये कहाँ पर डिफाइंड होगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से लेकर के वन तक की वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा, ठीक है। इसी तरीके से टैन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या निकाला था अभी, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हर एक रियल वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड रहेगा। कॉट इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, वो माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये कहाँ पर डिफाइंड होगा, ये भी हर एक रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा। फिर sec इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव की बात करें तो ये कितना होता है, वन अपॉन मॉड रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये जो डेरिवेटिव होता है, तो ये जो डेरिवेटिव होगा ये क्या होगा, एक यहाँ पर माइनस वन से लेकर के वन के बीच की जितनी भी वैल्यूज होती हैं सभी को हटा करके बाकी जो रियल नंबर्स बचेंगे वो हो जाएंगे। और इसी तरीके से cosec इनवर्स x के डेरिवेटिव की बात करें तो ये नेगेटिव में सेम वैल्यू आ जाएगी, माइनस वन अपॉन मॉड में x और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसके भी अगर डोमेन की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली क्या बात है कि जो जितने भी फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहे हैं, जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनके अगर डेरिवेटिव की बात करें तो ये सभी डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव डेरिवेटिव, इनके जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू है क्या है, नेगेटिव है, और बाकी जो बाकी जितने बच गए वो सभी क्या है, पॉजिटिव है। तो सी से जितने, ये एक शॉर्टकट हो सकता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डेरिवेटिव को याद करने का। तो जो जितने भी सी से स्टार्ट हो रहेंगे वो सभी क्या रहेंगे, नेगेटिव, जैसे कॉस हो गया, कॉस इनवर्स में नेगेटिव आ रहा, कॉट इनवर्स में नेगेटिव आ रहा, और कॉसेक इनवर्स में नेगेटिव आ रहा, ठीक है। ये कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन है किसके डेरिवेटिव है, किसके लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, ठीक। तो अब हम बात करेंगे इसके बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर बेस्ड होंगे उनके डेरिवेटिव की यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो अगर इतना समझ में आए तो उसको नोट कीजिए। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस की, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3। तो इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, जिसमें हम लोगों ने इम्प्लिसिट फंक्शन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था, उनका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया था। अब यहाँ पर इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो फाइंड क्या करना होगा, हमें सब में डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, जितने भी क्वेश्चन है क्या करना होगा, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या इसका, सॉरी टेंथ क्वेश्चन क्या है इसका, 9th के जितने भी क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में क्या थे, इम्प्लिसिट फंक्शन पर बेस्ड थे, सॉरी 8th तक क्वेश्चन किस पर थे, इम्प्लिसिट फंक्शन पर थे। और 9th क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 9th क्वेश्चन बेस्ड है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर। क्या है फंक्शन, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे कि ये है साइन इनवर्स, ठीक। तो कुछ ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि ये जो पूरी वैल्यू हो वो साइन में बन जाए, ताकि ये साइन इनवर्स और साइन हट जाए। तो इसका तरीका क्या है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे x इक्वल टू टैन थीटा,
क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू टैन थीटा। क्यों पुट करेंगे, तो देखिए जब यहाँ पर टैन थीटा पुट करेंगे तो देखिए होगा क्या, यह आ जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ पर अगर लिखें तो कितना आ जाएगा, टू टैन थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब अगर इसकी बात करते हैं तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू थीटा इक्वल टू होता है टू टैन थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। यानी अगर इस वैल्यू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन टू थीटा, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई है, तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन इनवर्स और ये साइन टू थीटा, कितना आ गया साइन टू थीटा। तो ओवरऑल वैल्यू बची कितनी यहाँ पर, साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, कितना बचेगा टू थीटा। अब यहाँ पर एक वैल्यू आ गया थीटा, हमें डिफ्रेंशिएट किस में करना है, एक्स में, वैल्यू कितनी आ रही थीटा, तो यहाँ से क्या करेंगे हम थीटा की भी वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर निकालें कितनी आ जाएगी, टैन इनवर्स एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी। अब अगर ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, वाई इक्वल टू टू टैन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अगर इस वैल्यू को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, टू कॉन्स्टेंट है ऐसे ही लिख देंगे, इंटू जो टैन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई इस डेरिवेटिव के लिए, ये जो फंक्शन था यहाँ पर इसका डेरिवेटिव कितना आ गया, टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक, तो इसको नोट कीजिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन। तो क्वेश्चन नंबर टेन क्या है, क्वेश्चन नंबर टेन में हमें क्या है, फंक्शन दिया है y इक्वल टू टैन इनवर्स, ये आ गया थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर x, ये जो फंक्शन है ये कहाँ पर डिफाइंड है, x इज लेस देन वन अपॉन रूट थ्री एंड ग्रेटर देन माइनस वन अपॉन रूट थ्री, इस कंडीशन में ये फंक्शन डिफाइंड है। तो चलिए इस वैल्यू को कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक वैल्यू पुट करेंगे, पुट करेंगे कितना, x इक्वल टू टैन थीटा। तो जब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा y इक्वल टू टैन इनवर्स, और यहाँ पर आ जाएगा थ्री टैन थीटा और माइनस का टैन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टैन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू, अब ये जो वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कितना, टैन थ्री थीटा, ये होता कितना है, थ्री टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टैन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है टैन थ्री थीटा का। तो अगर यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा टैन थ्री थीटा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, टैन थ्री थीटा का है। अब यहाँ पर बाहर टैन इनवर्स है और यहाँ पर टैन है, तो ये वैल्यू हट जाएगी, सिंपल कितना बचेगा, सिर्फ थ्री थीटा बचेगा। तो यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकाल लें तो यह आ जाएगा टैन इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो ये जो थीटा की वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देंगे तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, थ्री टैन इनवर्स एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अगर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट है, फिर टैन इनवर्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, थ्री अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका डेरिवेटिव हो जाएगा, इस वाली वैल्यू को यहाँ पर डेरिवेटिव थ्री अपॉन वन प्लस टैन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले x की जगह पर टैन थीटा पुट किया, तो यहाँ से क्या बना, थ्री टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टैन स्क्वायर थीटा। और ये जो वैल्यू है ये किसके किसके क्या फॉर्मूला होता है इसका, थ्री टैन थीटा का ये फॉर्मूला है। तो यानी इस वैल्यू की जगह पर क्या पुट कर देंगे, टैन थ्री थीटा पुट कर देंगे, तो यहाँ से टैन इनवर्स टैन हट जाएगा, कितना बचेगा, थ्री थीटा बचेगा। फिर थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट कर देंगे, टैन इनवर्स आ जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए।
तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है इसमें, y इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स और यहां पर वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो यहां पर पुट कर देते हैं कितना, x इक्वल टू टैन थीटा। तो जब x इक्वल टू टैन थीटा पुट करेंगे तो ये फंक्शन कितना हो जाएगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स और आएगा 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो ये जो फॉर्मूला है cos 2 थीटा इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है, क्या वैल्यू होती है, cos 2 थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है किसका, cos 2 थीटा का, यानी इतनी वैल्यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा। तो ये आ जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स और यहाँ पर आ जाएगा cos 2 थीटा। तो cos इनवर्स से cos हट जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ 2 थीटा बचेगा। और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल के फिर से पुट कर देते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स आ गया। अब ये कॉस इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी टैन इनवर्स आएगा ना, थीटा यहाँ से ये कितना आ जाएगा, टैन इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ से ये आ गया 2 टैन इनवर्स एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो वाई का डिफरेंशिएशन एक्स में कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, टू तो कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, और एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो डेरिवेटिव आ गया कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसका डेरिवेटिव हो जाएगा, वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव यहाँ पर फाइंड करेंगे। क्या किया एक बार फिर से देख लेते हैं, तो यहाँ पर हमने x इक्वल टू टेन थीटा पुट कर दिया है और उसके बाद जब यहाँ पर टेन थीटा पुट गया तो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन बन गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये जो वैल्यू होती है किसके इक्वल होती है, cos 2 थीटा की वैल्यू होती है। तो यानी इसके जगह पर cos 2 थीटा पुट कर देंगे और तो यहाँ से cos इनवर्स है, यहाँ पर cos है तो cos और cos इनवर्स हट जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ 2 थीटा बचेगा। फिर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर देंगे, है ना, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यहाँ पर y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फंक्शन कहाँ पर डिफाइंड है, 0 to 1, इस कंडीशन में ये फंक्शन यहाँ पर डिफाइंड है और करना क्या है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था ठीक उसी तरीके से इसको भी करेंगे यहाँ पर हम लोग। तो y इक्वल टू कितना यहाँ पर पुट कर देते हैं, सिंपल पहले पुट करते हैं कितना, x इक्वल टू टेन थीटा, क्योंकि हमको थीटा की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से निकाल लेते हैं थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स x। ठीक है, तो अब ये y इक्वल टू कितनी वैल्यू हो जाएगी, अगर x की जगह पर टेन थीटा रखते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ये आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी ये वैल्यू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या वैल्यू होती है, किसके इक्वल होती है, ये होता है cos 2 थीटा के। तो साइन इनवर्स cos 2 थीटा ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर क्या है, ये आ जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स और देखिए यहाँ पर तो साइन इनवर्स है लेकिन यहाँ पर cos है तो अभी तो इनको एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम इसको किसी तरीके से क्या कर दें, साइन में चेंज कर दें तो ये आ जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा। अगर इस फॉर्म में लिख देते हैं तो ये साइन इनवर्स, ये साइन हट जाएगा, कितना बचेगा, वाई इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई टू माइनस 2 थीटा, ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी, ये यहाँ पर पुट कर देते हैं तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस 2 टैन इनवर्स एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं
तो डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब इसको वाई के रिस्पेक्ट में, वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे कितनी वैल्यू आएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये है कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो माइनस टू इन टू एक्स टाइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या पढ़ा था हमने, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यानी इसका जो डेरिवेटिव आ गया वो कितना आ गया, माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन में जो प्रोसेस सेम प्रोसेस से ही क्वेश्चन को यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से इसका डेरिवेटिव कर लेंगे। तो अब इसके बाद बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसको नोट कीजिए पहले। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें एक फंक्शन दिया गया, क्या है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स और यहाँ पर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो फंक्शन है डिफाइंड कहाँ पर है, माइनस 1 से लेकर के 1, इस वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। और इस फंक्शन का क्या करना है, डेरिवेटिव। तो यहाँ पर क्या पुट करते हैं, x इक्वल टू कितना, tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो थीटा पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x, ये वैल्यू आ जाएगी। और इसको अगर डिफरेंशिएट कर दे, सॉरी ये वैल्यू जो tan x इक्वल टू tan थीटा था यहाँ पर पुट कर देते, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स, ये जो फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या है ये, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है sin 2 थीटा की वैल्यू होती है। तो यानी इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, sin 2 थीटा। अब यहाँ पर cos इनवर्स है, यहाँ पर sin है, तो क्या करेंगे, इस sin को किस में लिखना पड़ेगा, cos में। तो कैसे लिखेंगे, cos इनवर्स, इसको लिखेंगे cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ से cos इनवर्स cos हट जाएगा, कितना बचेगा, y इक्वल टू आ जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा। अब जब ये करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, यहाँ से थीटा की वैल्यू हमने निकाल रखी है, कितना आएगा, पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी वाई, सॉरी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो, ये कॉन्स्टेंट है, या 2 आ जाएगा और tan इनवर्स को 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से इसका डेरिवेटिव हम लोग फाइंड करेंगे। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में है y इक्वल टू साइन इनवर्स और ब्रैकेट में 2x और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। और ये जो फंक्शन है डिफाइंड कहाँ पर है, माइनस 1 अपॉन रूट 2 से लेकर के कहाँ तक, 1 अपॉन रूट 2 तक, इस कंडीशन में ये फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, और इस फंक्शन का क्या करना है, डेरिवेटिव यहाँ पर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स, हम कोई ऐसी वैल्यू एक्स की रखेंगे ताकि ये पूरी वैल्यू क्या हो जाए, साइन हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम पुट करते हैं कितना, एक्स इक्वल टू साइन थीटा, कितना पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू साइन थीटा। तो अगर एक्स इक्वल टू साइन थीटा पुट करते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा वाई इक्वल टू साइन इनवर्स और यहाँ पर आ जाएगा टू साइन थीटा और रूट में कितना आ जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स और यहाँ पर टू साइन थीटा और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को रूट में क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। अब कॉस स्क्वायर बाहर आ जाएगा रूट से, कितना बचेगा, साइन इनवर्स टू साइन थीटा और ये वैल्यू आ जाएगी
कॉस थीटा, तो टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा होता है, साइन टू थीटा। तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टू थीटा। अब यहां पर थीटा की वैल्यू की जरूरत है, तो यहां से क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, तो ये थीटा की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई इक्वल टू है टू थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, साइन इनवर्स एक्स, तो यहां पर लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, हमने बेसिक डेरिवेटिव पढ़ा है, तो अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, डी वाई अपॉन डी एक्स, और टू कॉन्स्टेंट है, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टू अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसका डेरिवेटिव ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो एक बार फिर से देखते हैं क्या किया है, यहाँ पर साइन इनवर्स था, तो हमने क्या किया, कोई ऐसी वैल्यू एक्स की पुट करनी थी जहाँ पर, जिससे कि इसका जो सॉल्यूशन हो वो कितना आ जाए, साइन में ही आए। तो हमने एक्स इक्वल टू साइन थीटा रखा, और यहाँ पर जब साइन थीटा रखेंगे एक्स की जगह पर रख, तो कितना आ जाएगा, टू साइन थीटा और रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस बाहर निकलेगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और ये बना साइन टू थीटा। तो अब ये साइन इनवर्स है, ये साइन हट जाएगा, इतना बचेगा टू थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से जब इसको एक्स इक्वल टू साइन थीटा पुट करेंगे, तो वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे थीटा इक्वल टू कितना आएगा, साइन इनवर्स एक्स। अब इस वैल्यू को डिफरेंशिएट कर लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, कितना आ जाएगा, ये इसके डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो पहले इसको नोट कर लीजिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है यहाँ पर, वाई इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है यहाँ पर, y इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, और ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड कहाँ पर है, ये डिफाइंड है 0 से x से और यहाँ पर 1 अपॉन रूट 2 तक। ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, 0 टू 1 अपॉन रूट 2 के बीच में डिफाइन किया गया है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना, कैसे करेंगे, कोई ऐसी वैल्यू रखते हैं ताकि यहाँ पर अंदर जो वैल्यू आए वो sec थीटा के फॉर्म में बन जाए। तो अगर x इक्वल टू हम यहाँ पर पुट करते हैं कितना, cos थीटा, x इक्वल टू कितना पुट करते हैं, cos थीटा, तो यहाँ से y इक्वल टू देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा sec इनवर्स, और यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, ये फॉर्मूला होता है किसका, cos 2 थीटा का, किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का। तो cos इसकी जगह पर क्या पुट कर देंगे, यानी इतनी वैल्यू की जगह पर क्या पुट करेंगे, cos 2 थीटा, तो sec इनवर्स कितना आ गया, 1 अपॉन cos 2 थीटा। अब cos 2 cos ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, sec हो जाएगा, 1 अपॉन cos क्या होता है, sec हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sec 2 थीटा। अब यहाँ पर sec इनवर्स sec हट जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ 2 थीटा बचेगा। तो फिर से वही काम करेंगे, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा cos इनवर्स, ये आ जाएगा cos इनवर्स x, कितना आ जाएगा cos इनवर्स x। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिखा है 2, और ये थीटा की जगह पर कितनी वैल्यू आ रही है, cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x यहाँ पर पुट कर देंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगर x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy / dx हो जाएगा, और यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 2 कॉन्स्टेंट है छोड़ देंगे, और डिफरेंशिएशन इसका करना पड़ेगा cos इनवर्स x का, और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था क्या होता है, माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कितनी वैल्यू आ गई है, माइनस 2 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन के लिए भी, और ये आगे यूज होगा इंटीग्रेशन में, तो बहुत ध्यान से इसको देखना पड़ेगा। ठीक है,
तो अगर इतनी चीज़ समझ में आई तो उसको नोट कर लीजिए।